हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 9 डिफरेंट तरीके के लाइनर स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। इस लाइनर के लिए ले लिया है मैंने जेल लाइनर। आपके पास अगर जेल लाइनर नहीं है तो आप काजल का भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड लाइनर और स्केच लाइनर इसमें नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम अच्छे से जेल लाइनर को लगा लेंगे आगे से पीछे तक। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइनर को हम स्मज करने वाले हैं। अब ले लिया है मैंने एक कलर, कोई भी कलर आप ले सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे ब्राउन मैरूनिश का कलर लिया है और इसको मैं अपने जेल लाइनर के ऊपर मर्ज कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको भी मर्ज करना है ब्रश की सहायता से। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप एयरबड भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छे से मर्ज हो जाता है। तो ये देखिए मैंने कलर ले लिया है और लैश लाइन पे मैंने वापस से ब्लैक कलर लेके मर्ज किया है ताकि दोनों कलर अलग अलग दिखें। तो अब नेक्स्ट लाइनर पे आते हैं। नेक्स्ट लाइनर के लिए मैंने ले लिया है ये लिक्विड लाइनर। आगे से लेके पीछे तक हम बिल्कुल एक इक्वल लाइन बनाएंगे। ये एंजल विंग लाइनर है, तो ये प्रॉपर एंजल विंग लाइनर है। तो जहाँ से हम लोग लाइनर को ऊपर को लिफ्ट करते हैं उससे थोड़ा सा आगे लेंगे हम ये, और उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उस स्ट्रेट लाइन को पीछे की लाइन से तिरछा लेके जाके और उसको मर्ज कर देंगे, और फ्रंट में ठीक उसी तरीके से टिप से लेकर के फ्रंट तक लाएंगे और उसको एक अच्छे से वी शेप में नीचे तक देखिए आ रहा है। और आगे हम पतला ही रखेंगे, पीछे हम हमारा ये जितना लंबा आप रखेंगे उतना ये ऊपर को हाइट मिलेगा इसको। तो ये प्रॉपर एंजल विंग लाइनर है, आप किसी भी आई मेकअप के साथ कर सकते हैं। तो इसका मैं सेमी विंग लाइनर भी आगे बताऊंगी, तो स्टे ट्यून। अब मैंने ले लिया है ये कलर्ड विंग बनाने के लिए एक कलर लाइनर। आप कोई भी कलर लाइनर, आपके पास लिक्विड लाइनर हो आप ले सकते हैं, या स्केच लाइनर हो, या जो भी आपके पास लाइनर हो आप वो ले लीजिए। और इसके लिए भी मैंने एक बिल्कुल अपने लैश लाइन के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइनर भी बहुत इजी है और 3/4 तक हम इसको लेके जाएंगे, और जहाँ से हमको लिफ्ट करना होता है वहाँ से लेकर के येलो लाइन तक हम लाएंगे और उसको वहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल एक स्लिक सा लाइन बना है, बहुत मोटा नहीं करेंगे, दोनों लाइनर एक इक्वल होना चाहिए। पीछे हम अच्छा सा विंग बनाएंगे, जहाँ से हमारा आँखों का कॉर्नर होता है वहाँ से हम लिफ्ट करेंगे और इसको अच्छे से दोनों लाइनर को हम ओवरलैप कर देंगे। ब्लैक को मैंने ओवरलैप किया है येलो के ऊपर। तो आप देखिए ये कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो आप कोई भी कलर लाइनर इस तरीके से लगा सकते हैं, हाफ एंड हाफ में ये लुक आएगा। अब नेक्स्ट लाइनर के लिए मैंने लिया है आई शेडो एक रेड कलर का, उसको मैंने आगे हाफ लाइन तक लगाया है और पीछे मैंने लिया है जेल लाइनर। जेल लाइनर से मैं विंग बना लूँगी और उसको ब्लैक आई शेडो से हम दोनों लाइनर को बीच में मर्ज करेंगे। तो इसके लिए भी आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए मैंने फ्रंट में उसको प्रोमिनेंट दिखाने के लिए मैं वापस से रेड लाइन पे वापस से आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। आपको भी ठीक वैसे ही यूज़ करना है और जहाँ पर ब्लैक लाइनर होगा उस जगह पे हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर मर्ज नहीं हो रहा है तो ब्लैक और रेड दोनों आई शेडो को लीजिए और फिर वापस से मर्ज करिए। तो वहाँ पे मिक्सिंग ये नहीं पता चलना चाहिए कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका ब्लैक और रेड जो आई शेडो है। तो देखिए ये कितना प्यारा आ रहा है इसका लुक। इस तरीके से आप ग्रीन ब्लू कोई भी आई शेडो है तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइनर के लिए मैंने वापस से लिक्विड लाइनर लिया है, इसको अपने लैश लाइन के साथ साथ लगा रही हूँ। लाइनर बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ लाइए और थोड़ा पतला ही रखिएगा, ज़्यादा मोटा लाइनर ना करिएगा। अगर आपकी आँखें ज़्यादा बड़ी हैं तो आप थिक लाइनर पसंद है तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप लाइनर थोड़ा पतला रखेंगे तो ज़्यादा सही है। अगर आपकी आँखें थोड़ी सी हुडेड हैं या फोल्ड हो जाती हैं, लाइनर आपका ऐसे हो जाता है, तो फिर थोड़ा पतला ही रखिए। ये हमारा ग्राफिक लाइनर है। जैसे हम सिंपल अभी मैंने लाइनर लगाया था, ठीक सिंपल लाइनर लगाने के बाद में कॉर्नर से बिल्कुल थोड़ा सा पहले हम उसको लिफ्ट कर देंगे, जहाँ से हमारी आईज फोल्ड होती है ना, क्रीज लाइन होता है, ठीक उस जगह पे हम हाफ क्रीज तक लेके जाएंगे। तो कोई भी अच्छा सा आई शेडो लगाने के बाद आप ये लुक कर सकते हैं।
इससे आंखें आपकी, अगर आपको कटिंग क्रीज बनाने नहीं आता तो ये थोड़ा सा वैसा लुक देता है और बहुत प्यारा लगता है। देखिए मेरी आंखें जहाँ से फोल्ड हो रही है ये वहाँ से मैंने उसको उठाया है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। यहाँ पे भी मैंने लिक्विड लाइनर लिया है, तो मैंने इस टाइम पे कोई मेकअप नहीं कर रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से लाइनर समझ में आए। अब मैंने सेम वैसे ही आगे से लाइनर ले जाके पीछे तक मैंने इसको लिफ्ट किया, और इसमें हम एंजल विंग लाइनर बना रहे हैं पर ये सेमी एंजल विंग लाइनर है, तो इसको भी मैंने बिल्कुल लास्ट कॉर्नर जहाँ हमारी आई जॉइंट होती है वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। पहले वाले में हमने थोड़ा पहले से लगाया था, इसमें हम थोड़ा बिल्कुल पीछे जहाँ से हम लाइनर लिफ्ट करते हैं ना, ठीक वहीं से हमने इसको स्ट्रेट लाइन बनाई है और उसको एक पीछे ए शेप बना के फिर फ्रंट से मिला देंगे उसको। देखिए फिर इस तरीके से सेमी विंग लाइनर बन जाता है। अगर आपको बड़ा और ब्रॉड लाइनर नहीं पसंद है एंजल विंग लाइनर का, तो आप इस तरीके का लाइनर लगा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। बिल्कुल आगे से हम लेंगे, बहुत पतला पतला लाइन ही ड्रॉ करना है आपको, और बिल्कुल लैश लाइन के साथ मैं इसको लेके जा रही हूँ। ये लाइनर आप किसी भी हुडेड आइज़ पे लगा सकते हैं। अगर किसी की लाइनर होता है ना प्रॉब्लम किसी को कि आंखों से पीछे से जो लाइनर होता है वो ऐसे टूटा हुआ सा लगता है या ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो ये ऐसी आंखों के लिए है। तो इसमें हम लाइनर बिल्कुल पतला लगाएंगे और जहाँ से हमारी आइज़ का कट होता है ना वहाँ से हम बिल्कुल नीचे से लिफ्ट करेंगे इसको, और नीचे वाले लैश लाइन तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कितना शार्प आ रहा है हमारा लाइनर पीछे से, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से यूज़ करिएगा इसके लिए ग्रीन कलर लाइनर। आप कोई भी कलर लाइनर ले सकते हैं, और इसको जैसे हम लाइनर लगाते हैं ठीक वैसे ही आगे से लेकर के पीछे तक हम एक विंग बनाएंगे और इक्वल रखेंगे। जितना मोटा आपको लाइनर रखना है उससे थोड़ा सा मोटा हम रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, पीछे मैं हल्का सा विंग दे रही हूँ, ऐसे ही आपको देना है। और वीडियो देखते रहिए, आगे हम जो इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे इसमें अच्छे से डिफाइन होगा हमारा ये लाइनर। मैंने ले लिया एक ब्लैक लाइनर, ये भी लिक्विड लाइनर है, और इसको बिल्कुल अपने लैश लाइन के साथ साथ लगाना है। इससे होगा ये कि आपका लाइनर बहुत ही डिफाइन तरीके से नज़र आएगा, देखिए, और आँखें भी आपकी सूनी सूनी नहीं लगेगी। ये तरीका यूज़ करके आपका भी लाइनर बेस्ट लगेगा। थैंक यू।